हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दीनदयाल। तो आपको पता भी है, सोना में बहुत अच्छा अप्रिशिएशन हुआ है दीनदयाल का। और मैं आपके सामने दो प्रोजेक्ट लाना चाह रहा हूँ जो कि अभी आने वाले हैं अपकमिंग 2 से 3 महीने में। इनका लाइसेंस एक का लग चुका है, एक का लगने वाला है। तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, ठीक है, उस पर अर्ली सारी आपको चीज़ें मिलती रहती हैं। मतलब कि जो मैं चैनल पर डालता हूँ उससे एक दिन पहले, या जो भी सॉफ्ट कॉपीज़ होती हैं, हार्ड कॉपीज़ होती हैं, लिंक्स होते हैं, वो आपको सारे शेयर किए जाते हैं मेरे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको उसको छोड़ना मत, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो एक लैंड परचेज करी है जेएमएस ने, करीबन 17.5 एकड़ का लैंड है। सेक्टर 5 में है, कोरोना ग्रीन से एक कम। जो भी डीडीजे वाई देख रहे हैं सोना में, उनको पता है वो प्रोजेक्ट कहाँ पे है। तो उसके पास में ही 17.5 एकड़ लैंड है। दूसरी लैंड आती है अपनी, दूसरा प्रोजेक्ट आता है, एक नया बिल्डर आया है, उसका नाम है NS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। कॉन्क्रीट वगैरह का उनका NS का काम है। तो एक प्रोजेक्ट उनका आ रहा है, ये करीबन 10 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। ये आ रहा है आपका सेक्टर 2 सोना में, अंसल सेवा सोम वैली है पहली बार प्रोजेक्ट, उसके पास ही है। अगर पिरामिड स्प्रिंग वैली से देखेंगे आप, तो उससे पहले एक लेफ्ट कटर्न होता है सोना ढानी को, उसी रोड पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो जो अपना JMS का है, वहाँ पे सराउंडिंग में रेट चल रहा है करीबन 45 से 50 हज़ार रुपये के आसपास। तो ये उसी रेट में आने की उम्मीद है। साथ में जो NS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का, वहाँ का रेट करीबन 55 से 57 हज़ार रुपये रेट चल रहा है। तो ये उसी रेट में आने की उम्मीद है। तो वो आप अर्ली बर्ड वाला डिस्काउंट ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और साथ में ही इसका भी लाइसेंस लगानी है, JMS का लाइसेंस लगना है LOI के पास, और NS का लाइसेंस जल्दी आ जाएगा, उसका रहा जल्दी आ जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ JMS। तो दोनों ही प्रोजेक्ट के लोकेशन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। JMS थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, बट ये इतने ज़्यादा प्लॉट भी नहीं आएंगे, 200 के करीब प्लॉट आएंगे, बट उतने ही वॉल्यूम में लेने वाले बहुत हैं आज के डेट में जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। और न्यू गुड़गांव के 2 प्रोजेक्ट्स की अगली वीडियो में बात करेंगे, अभी यही था। अगर इसकी लोकेशन आपको एग्जैक्ट देखनी है या कुछ भी आपको इसके बारे में समझना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको लगभग अंदाज़ा दे ही दिया है या इसका रेट क्या होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी। दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों बिल्डर के हैं। JMS तो आपका सुना सुना है नाम है, सेक्टर 4 में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। तो यही दोनों प्रोजेक्ट थे, और धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। बाकी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, वो 2 प्रोजेक्ट न्यू गुड़गांव में मैं बताऊँगा आपको। और साथ में ना आपको कमेंट में लिखो, आप कमेंट में आप लिख सकते हो कि आप कौन सा दीनदयाल आप देखना चाह रहे हो। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी मैं सोना जा नहीं रहा हूँ 3-4 दिन के लिए, पर ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको वीडियो बना रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है या कुछ भी करना, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं आपको समझा दूँगा क्या आप ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। और कमेंट में लिख के बताओ कि आपको कौन से प्रोजेक्ट दीनदयाल के देखने हैं। अफोर्डेबल की सीरीज़ अभी चल रही है, अफोर्डेबल का थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उसको भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट दीनदयाल इसमें बेस, तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, जुड़े रहिए अपने भाई के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।